या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयास बाई विनोद में। दोस्तों, आज से बच्चों की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पे आपके लिए लाए हैं, परीक्षा में सफलता के अचूक उपाय। जी हाँ दोस्तों, क्रमवार हम बताएंगे आपको परीक्षा में सफलता के कौन कौन से उपाय हैं और आपको कैसे करने हैं। सबसे पहले, अध्ययन कक्ष में हम कभी भी कोई भी कॉपी किताब पेन पेंसिल को कभी खुला न रखें। अध्ययन कक्ष में कॉपी किताबों को हमेशा उनकी नियत स्थान बैग या अलमारी में ही सलीके से रखें। यह ज़रूर ध्यान रखें कि पढ़ाई की मेज पर कुर्सी टूटी ना हो, कॉपी किताबें फटी ना हो, उन सभी पर जरा भी धूल मिट्टी ना हो, लगातार वहाँ पर साफ़ सफाई होती रहे। पढ़ने की मेज पर कभी खाना नहीं खाएं। खाना खाते समय पढ़ाई की टेबल पर कॉपी किताबें बंद करके खाना खाने के लिए बनाए गए स्थान पर ही खाना चाहिए। हमेशा पढ़ाई प्रारंभ करते समय अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए कॉपी किताबों को अपने मस्तक से लगाकर पढ़ाई शुरू करें। यही प्रक्रिया पढ़ाई को समाप्त करते समय भी दोहराएं। दोस्तों, पढ़ाई का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह के 4 बजे माना गया है। उस काल में पढ़ाई करते समय हमें कई गुना ज़्यादा और तेज़ी से अपने पाठ याद होते हैं, इसलिए पढ़ने वाले छात्रों को सुबह सवेरे पढ़ाई की आदत अवश्य ही डालनी चाहिए। पढ़ते समय छात्र का मुँह सदैव ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की तरफ ही होना चाहिए, इसलिए उसकी मेज इस तरह से हो कि उसका मुंह ईशान कोण की तरफ ही रहे। विद्यार्थी को घर पर पढ़ते समय जूते मोजे नहीं पहनने चाहिए। और दोस्तों, इमली के ताज़े पत्ते, जी हाँ, इमली के ताज़े पत्ते बृहस्पतिवार को अपनी किताबों में रखने से भी विद्यार्थी की बुद्धि तीव्र होती है। इसके साथ ब्राह्मी, जी हाँ, एक आयुर्वेदिक औषधि है ब्राह्मी का, नित्य सेवन करने वाले विद्यार्थियों की बुद्धि तीव्र होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, इसलिए उन्हें परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त होती है। जिन विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तर भूल जाने की आदत हो, उन्हें परीक्षा में अपने पास कपूर और फिटकरी का टुकड़ा रखना चाहिए। इससे मानसिक रूप से मजबूती बनी रहती है और यह नकारात्मक ऊर्जा को भी हटाती है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए हर गुरुवार को नियम से किसी भी गाय को पीले पेड़े अवश्य खिलाएं। और पढ़ाई में उत्कृष्ट सफलता हेतु छात्र में यह संस्कार डाले जाएं कि वह सदैव अपने माता पिता, घर के अन्य बड़े बुजुर्ग के रोज चरण स्पर्श करें और अपने गुरुजनों को पूर्ण सम्मान दे। ऐसा करने से उस पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। और परीक्षा देने जाते समय यदि छात्र मीठा दही या अन्य कोई भी मीठा खा कर जाए तो उससे निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। और अंत में एक उपाय, परीक्षा में 100% सफलता के लिए विद्यार्थी छात्र छात्रा को रोज नियम से उगते हुए सूर्यदेव को फूल, लाल चंदन, चावल आदि डालकर जल चढ़ाने एवं उनका ध्यान करने से अति विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस नियम का पालन जीवन पर्यंत करना चाहिए, इससे आपको सदैव सफलता प्राप्त होती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने मनपसंद चैनल प्रयास बाई विनोद को लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह आपके लिए अति उपयोगी जानकारी के साथ दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।